आज यंग गाइस, इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 की इंग्लिश कुमार भारती टेक्स्ट बुक का यूनिट 1 का चैप्टर। दिस इज 1.3 चैप्टर नंबर ऑन विंग्स ऑफ करेज। तो ये चैप्टर जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, ये इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं, दिस चैप्टर इज अबाउट विंग्स ऑफ करेज। जब हम चैप्टर का नाम देखते हैं ऑन विंग्स ऑफ करेज, तो हमें क्या ध्यान में आता है, हमें ये ध्यान में आता है, तो हमें पता है विंग्स का मतलब होता है पंख, है ना, जिससे परिंदे भी उड़ पाते हैं। और करेज का मतलब होता है हिम्मत, साहस, तो हमारे पास करेज होनी चाहिए। तो ये ऑन विंग्स ऑफ करेज मतलब कौन है जो अपने करेज के बल पर अपने विंग्स यूज करके उड़ता है। तो ये एक्चुअली किस बारे में बात की जा रही है, किसके पास ऑन विंग्स ऑफ करेज है। दिस इज अबाउट द इंडियन एयरफोर्स। तो जो हमारे आर्मी है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस है, उनमें तीन सेक्शंस होते हैं, एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के ये फेमस पायलट की बात की जा रही है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उनका नाम है अर्जन सिंह, तो इस चैप्टर में हम वो देखने वाले हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो क्लासेस चल रही है, तो ये फ्री लाइव ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 के लिए चल रही है। ये तो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बट यू कैन ऑल्सो अटेंड अ फ्री लाइव क्लास ऑल्सो। तो ये आपकी क्लासेस हर सब्जेक्ट के लिए चलेगी। तो ये हर मंथ में हमारी बैचेस स्टार्ट होती है। सो इफ यू आर इन क्लास 10, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस ईयर, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड इंक्वायर अबाउट दिस। तो ये आपको फ्री क्लासेस के लिए एनरोल हम कर सकते हैं। फिर अब इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारा ऐप है, तो दिस इज आर ऐप, एएशआज लर्निंग ऐप। तो आप इस ऐप पर जब फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपको ये पेज दिखेगा, तो आपको यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म भर के अपनी लॉग इन डिटेल्स एक्वायर करनी है। इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। वंस यू गेट द लॉग इन डिटेल्स, दिस इज द स्क्रीन विच यू गेट। और इधर आपके लिए वीडियोज, जो फ्री वीडियोज है, सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो यूट्यूब पे हम सारे वीडियोज अपलोड नहीं करते, तो हमारे वीडियोज ऐप पे होते हैं, सारे वीडियोज ऐप पे है। टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो यू कैन एक्सेस दिस वंस यू गेट अ लॉग इन, एंड देन यू कैन इवन अटेम्प्ट टेस्ट। सो फ्री डेली टेस्ट भी हम करते हैं, तो उसमें भी आप एनरोल करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो आते हैं हमारे चैप्टर पे, ये देखिए, यस प्लीज डू डाउनलोड ऐप। तो चैप्टर जो हमारा है ऑन विंग्स ऑफ करेज, तो व्हाट गुड आर विंग्स विदाउट द करेज टू फ्लाई। तुम्हारे पास पंख है लेकिन करेज नहीं है उड़ने की, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो करेज, हिम्मत, जज्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी जब हमारी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हमारे पास हिम्मत जज्बा होना चाहिए, तो हम वो पढ़ पाएंगे। हम साहस होना चाहिए कि हम ये कर सकते। तो फर्स्ट तो दैट बिलीफ इज इम्पॉर्टेंट, दैट यू कैन डू इट एंड देन यू विल डू इट। तो इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि अर्जन सिंह ने क्या किया था। तो यहाँ पे देखिए, वार्मिंग अप अपना जो चैप्टर में शुरू में होता है, वो हम पहले देख लेते हैं। तो इस वार्मिंग अप एक्सरसाइज में हमारे लिए क्या है, यहाँ पे देखिए, द रैंक्स ऑफ ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स आर जंबल्ड अप। मतलब ये सारे रैंक्स है आर्मी ऑफिसर्स के, तो ये सारे जंबल्ड अप है। तो हमें इनको डिस्कस करके इनको सही सही बॉक्स में डालना है, मतलब आर्मी के आर्मी में, नेवी के नेवी में डालेंगे और एयरफोर्स के एयरफोर्स में। तो सबसे पहले हम ये रैंक्स देख लेंगे। एक बार हमें रैंक्स पता होगी तो हम जंबल्ड अप को सही से अरेंज कर पाएंगे। तो ये इंडियन आर्मी के रैंक्स है, आप देख सकते हैं। सबसे लोएस्ट रैंक जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है लेफ्टिनेंट का, मतलब दिस इज नॉट लोएस्ट, ऑफिसर्स लेवल पे ये लोएस्ट रैंक है। तो लेफ्टिनेंट, देन कम्स द कैप्टन, देन कम्स मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इसको कर्नल प्रोनाउंस करते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड देन द फील्ड मार्शल। तो हमारे जो चैप्टर में भी यहाँ पे है, हम फील्ड मार्शल के बारे में पढ़ेंगे। यू शुड रिमेम्बर दिस इज द हाईएस्ट रैंक इन द आर्मी। तो आर्म्ड फोर्सेस में हम आर्मी भी देख रहे हैं, नेवी भी और एयरफोर्स भी। ये आर्मी के जो लैंड पे सोल्जर्स फाइट करते हैं, जो लैंड है, लैंड पे आर्मी, उसके रैंक से ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, जैसे कर्नल आएगा फिर ब्रिगेडियर। तो ऑर्डर तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर नाम से आपको पता होना चाहिए। एंड इन द चैप्टर यू ऑलरेडी हैव कि कैसे उनकी भी प्रमोशंस कैसे हुई। तो ये हम जब बात कर रहे हैं आर्मी की है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये नेवी का है। तो नेवी में भी देखो, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, देन यू गेट नेवी में कैप्टन होते हैं, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर। तो ये नेवी के रैंक्स और एयरफोर्स के रैंक सिमिलर है, जैसे कमांडर, कमोडोर ये वगैरह आर्मी में नहीं होते, नेवी में और एयरफोर्स दोनों में होते हैं। रेयर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो ये हो गए नेवी के रैंक्स। अब आएंगे हम एयरफोर्स के रैंक पे।
एयरफोर्स में है फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रॉन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। तो ये हाईएस्ट रैंक जो है यहाँ पे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ठीक है, तो ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के रैंक्स हो गए। अब हम जाते हैं हमारे जो टेबल था उसमें कैसे हम अरेंज करेंगे ने? तो ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है कमांडर, अभी हमने पढ़ा था कमांडर किधर आएगा हमने पता है। तो कमांडर आएगा कहाँ पे? नेवी में। नेक्स्ट इज ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर आएगा आर्मी में, हमने देखा था ब्रिगेडियर कर्नल। विंग कमांडर, अब कमांडर नेवी है, विंग मतलब के रिलेटेड टू फ्लाइंग, सो विंग कमांडर विल बी इन एयरफोर्स। वाइस एडमिरल, एडमिरल सारे नेवी में थे, वाइस एडमिरल इज ऑल्सो एडमिरल ऑफ द फ्लीट ऑल्सो, एडमिरल विल ऑल बी इन रेयर एडमिरल, ये सारे नेवी के है। स्क्वाड्रॉन लीडर एयरफोर्स, जब आप चैप्टर पढ़ोगे क्योंकि एयरफोर्स के बारे में तो आपको याद रहेगा स्क्वाड्रॉन लीडर इज इन द एयरफोर्स। मेजर, मेजर साहब काफी पुरानी मूवी भी एक है अमिताभ बच्चन की, सो इट्स रिलेटेड टू आर्मी मेजर। देन कर्नल आर्मी, फील्ड मार्शल अगेन आर्मी, एयर मार्शल ऑफकोर्स एयरफोर्स, और जैसे मैंने कहा एडमिरल, एडमिरल ऑफ फ्लीट नेवी, कमोडोर नेवी, एयर कमोडोर है वो यहाँ आएगा, कमांडर कमोडोर इज इन नेवी, विंग कमांडर एयर कमोडोर आर इन एयरफोर्स, लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी, फ्लाइंग ऑफिसर ऑफकोर्स एयरफोर्स, रेयर एडमिरल नेवी एंड एयर कमोडोर एयरफोर्स। तो इजीली हमने कर लिया। और अगर हम इसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रैंक, तो लोएस्ट रैंक आर्मी में इन पांचों में से जो है लोएस्ट इज मेजर, देन कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, एंड द हाईएस्ट लेवल जो है वो होता है फील्ड मार्शल। नेवी में भी कमांडर होते हैं, फिर कमोडोर, फिर रेयर एडमिरल, वाइस एडमिरल, देन एडमिरल ऑफ द फील्ड। सिमिलरली इन एयरफोर्स यू हैव फ्लाइंग ऑफिसर, देन हाई लेवल इज स्क्वाड्रॉन लीडर, देन विंग कमांडर, देन एयर कमोडोर एंड देन एयर मार्शल। तो हमारे चैप्टर में ये पूरा हम देखेंगे कि कैसे उनका प्रमोशन हुआ फ्लाइंग ऑफिसर से स्क्वाड्रॉन लीडर पे, विंग कमांडर एंड फाइनली बिकेम द एयर मार्शल टू। सो दिस इज द वार्मिंग अप एक्सरसाइज। इसके अलावा ग्रामर का जो वार्मिंग अप है यहाँ पे वो है होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। तो अब ये क्या होता है? तो होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, है ना, फोन पे हम बात करते हैं तो साउंड होता है, तो होमोफोन्स, तो होमोफोन मतलब दे साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। आवाज सेम आता है, बोलने में आवाज सेम होता है, जैसे ये क्या है, सन है, और ये बेटा है, इसको भी सन कहते हैं, तो ये भी सन है, ये भी सन है, आवाज सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है, डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट स्पेलिंग, ये एस यू एन है, ये एस ओ एन है, सो सन एंड सन दीज आर होमोफोन्स। ठीक है, और ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए मेल, जो हमको मेल आता है, पोस्ट आता है, उसे भी मेल कहते हैं, और मेन होते हैं उनको भी मेल कहते हैं, तो मेल एंड मेल, स्पेलिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, मीनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, बट द साउंड द सेम, ओनली थिंग कॉमन इज आवाज सेम आता है मेल बोलने में, ये भी मेल बोलेंगे, जब तक स्पेलिंग क्लियर नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कौन से मेल की बात हो रही है, या तो सेंटेंस के कंटेक्स्ट से हम समझ लेते हैं कि ये मेल मतलब मेल आया है ना, पोस्ट में मेल आया तो ऑफकोर्स एम ए आई एल मेल होगा ऐसे। देन दिस इज पेयर एंड पेयर, अ पेयर ऑफ शूज में भी पी ए आई आर पेयर होता है, और ये फ्रूट, पेयर जो होता है फ्रूट, वो भी पेयर साउंड करता है, तो दोनों का साउंड सेम है, डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग। डो एंड डो, डो मतलब आटा भी, डी ओ यू जी एच, इसे भी डो प्रोनाउंस करते हैं, और डो मतलब हिरन का बच्चा, तो उसे भी डो कहते हैं, है ना। देन होल मतलब पूरा, और होल मतलब खड्डा भी, तो दोनों की स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन आवाज सेम आती है होल जब हम बात बोलते उसे, तो दीज सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। यहाँ पे जैसे फिर से वन एंड वन, जीते उसको भी वन कहते हैं, नंबर वन भी वन होता है, सी मतलब देखना, सी मतलब दरिया भी, यू और यू है ना, तो यू इज शीप, बेबी शीप। देन एंट एंड आंट, वो इतना सिमिलर नहीं साउंड करता पर है ना, क्योंकि इसे आंट कहते हैं। मेल मेल हमने किया, राइट एंड राइट, लिखना भी राइट होता है, और आर आई जी एच टी राइट मतलब सही है। हेयर एंड हेयर है ना, रैबिट जैसे हेयर होता है, और बाल उसे भी हेयर कहते हैं, सो सच वर्ड्स आर होमोफोन्स। ये देखिए बेयर एंड बेयर, सो बेयर मतलब कुछ नहीं है, खाली हो गया, और बेयर ये एनिमल भी होता है। बोर्ड एंड बोर्ड,
हम बोर हो रहे हैं और ये बोर्ड यूज हो रहा है ऐसे। बी एंड बी, टू बी समथिंग और ये बी, हनी बी जैसे है ये। बीच एंड बीच, तो ये बीच जो होता है ये ट्री का पार्ट होता है, ये बीच, द ट्री, ग्रेट बीचेस टावर्ड अप टूवर्ड्स द स्काई, सो दैट इज कॉल्ड अ बीच। देन बीन एंड बीन, बीन्स होते हैं और ये आई हैव बीन देयर करके हम कहते हैं जैसे, तो ये खाने के लिए जो बीन्स होते हैं, ग्रीन बीन्स, और ये बी। ब्लू एंड ब्लू, तो ब्लू कलर भी होता है, ब्लू मतलब ब्लोइंग समथिंग अप, है ना, तो हवा फेंकना जैसे ब्लो करना कुछ। तो दीज आर ऑल होमोफोन्स। इसके अलावा और एक वर्ड है आपकी बुक में आएगा, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। अब होमोफोन्स में तो सिर्फ आवाज सेम थी, जैसे मेल और मेल में हमने देखा आवाज सेम आती है मेल, पर स्पेलिंग अलग है, तो हम स्पेलिंग बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कौन से मेल की बात हो रही है। लेकिन थोड़े वर्ड्स होते हैं उनका स्पेलिंग भी सेम है, आवाज भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है। जैसे ये बो है, ये भी बो कर रहे, बोइंग डाउन, तो ये जो है होमोग्राफ्स कहते हैं, स्पेलिंग भी सेम है। जैसे और एग्जाम्पल है, जैसे रिंग, तो रिंग और रिंग, घंटी बजे उसे भी रिंग कहते हैं और ये जो फिंगर में पहनते हैं उसे भी रिंग कहते हैं, तो वो था रिंग, दोनों का मीनिंग अलग है, रिंग ही बोलते दोनों को, मतलब स्पेलिंग भी सेम है ना, तो यहाँ पे स्पेलिंग भी अलग नहीं है। तो लिखने में भी, ग्राफ्स मतलब लिखना, तो होमोग्राफ्स मतलब इनको लिखने में भी ये सेम ही लिखे जाते हैं। सो सच वर्ड्स आर नॉट होमोफोन्स, देन दे आर होमोग्राफ्स, है ना, क्योंकि स्पेलिंग भी सेम होगी, मीनिंग अलग है लेकिन। तो ये बो हम पहनते, वो ये भी बोइंग डाउन ऐसे, तो ये है बो एंड एरो, और बो तो सेम साउंड होता ही है, बो एंड एरो, एंड दिस इज द बो विच यू वेयर। देन टेयर एंड टेयर, टेयर करना और ये टेयर जो हमारे निकलते हैं आंसू। रो रोइंग द बोट एंड रो ऑफ हाउसेस, तो रो रो। स्केल स्केल स्केल, जिसके ऊपर वजन हम देखते हैं, और स्केलिंग द माउंटेन, है ना, चढ़ने के लिए चढ़ते जब माउंटेन, तो उसे स्केल कहते हैं। सो दीज ऑल्सो स्केल, आप फुट रूलर को भी स्केल कहते हैं, रूलर को, तो स्केल सेम वर्ड यूज किया जाता है लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग कंटेक्स में अलग होता है। ये सेम, ये दोनों चीजों को स्केल ही कहते हैं। सो सच वर्ड्स आर होमोग्राफ्स। जैसे यहाँ पे बैर है, बैर इज अ लार्ज हैवी मैमल विद थिक फर दैट लिव्स इन अ फॉरेस्ट। आई स्पॉटेड अ बैर ईटिंग बेरीज इन द वुड, तो ये बैर एक नाउन है, बैर हम बोल रहे हैं यहाँ पे। बैर मतलब टू कैरी समथिंग, होल्ड अप, झेलना, बैर करना। वी वर्न श्योर द बुक केस कुड बैर द वेट ऑफ सो मेनी बुक्स, तो बुक केस था, इतने सारे बुक्स का वजन उठा पाएगा कि नहीं हमें श्योर नहीं था। तो ये बैर, जब हम स्पेलिंग सेम है लेकिन जब लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बैर की बात हो रही है कि वजन झेलने की बात हो रही है, तो कंटेक्स से पता चल जाता है। सो सच वर्ड्स आर होमोग्राफ्स। बैट और बैट, जैसे फ्लाइंग मैमल है, ये बैट उसे भी कहते हैं, और ये जो बैट एंड बॉल खेलते, तो ये भी बैट है ना। सो दीज आर होमोग्राफ्स। देन ये भी है, देखिए पाम एंड पाम, हमारे हाथ की हथेली को भी पाम कहते हैं, पाम ट्रीज भी होते हैं। ट्रैफिक जैम भी होता है और ये जैम खाने का भी होता है। रोल, पेपर रोल भी होता है और ये खाने के भी रोल्स होते हैं, जो स्वीट डिश खाई जाती है। मार्क्स, हमारे मार्क्स भी होते हैं और ये मनी मैटर्स में भी हम मार्क यूज करते हैं, तो ना स्टैम्प करने के लिए कुछ, तो मार्क, वो भी मार्क होता है। बॉल, डांसिंग बॉल होता है, जहाँ पे ऐसी पार्टी को बॉल कहते हैं, और जो खेलते हैं उसे भी बॉल कहते हैं। फाइन मतलब आपको फाइन, जुर्माना जुर्माना भरना पड़ेगा, वो भी हो सकता है पेनल्टी। और फाइन मतलब आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, है ना। फाइन मतलब फाइन क्लॉथ, मतलब सॉफ्ट कपड़ा भी, उसे भी फाइन कहते हैं। तो ये काफी सारे, ये सारे होमोग्राफ्स है। तो अब हमारी टेक्स्ट बुक में जो वार्मिंग अप में होमोफोन्स और होमोग्राफ्स है, तो होमोफोन्स देखिए क्या है। ए, मेक सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड वेयर। तो ये वेयर एंड वेयर दोनों अलग अलग स्पेलिंग है, तो ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें इसकी मीनिंग समझ में आए। तो जैसे वेयर मतलब पहनना, तो उसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। आई हैव मेड अ सेंटेंस, शी हैज डिसाइडेड टू वेयर हर प्रीटीएस्ट ड्रेस फॉर द पार्टी, पार्टी में अपना प्रीटीएस्ट ड्रेस पहनेगी, तो ये वेयर हो गया। बी इज वेयर, वेयर मतलब औजार, बर्तन, जो भी कुछ होते हैं ना, एनी एनी थिंग मटीरियल विच इज बीन सोल्ड, तो है ना, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हम कंप्यूटर में बात करते हैं, इवन आयरन स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स वगैरह जो होते हैं, वो भी अपने वेयर्स, जो भी अपने, जो भी चीजें वो बेच रहे, उसे वेयर कहते हैं। तो द ट्रेडर सोल्ड हिज वेयर एट द मार्केट, तो ट्रेडर ने अपना सामान मार्केट में बेचा। नेक्स्ट इज हियर एंड हियर, देखिए साउंड सेम है लेकिन हियर मतलब कम हियर जैसा, हियर इधर आओ, है ना, इधर मतलब हियर, और हियर मतलब सुनना, एच ई ए आर हियर मतलब सुनना। तो हियर का हमने सेंटेंस बनाया, ही आस्क्ड मी टू मीट हिम हियर आफ्टर लंच,
और हियर पे हमने बनाया आई कुड नॉट हियर द स्पीच क्लियरली इन दैट क्राउडेड ऑडिटोरियम. फिर तो क्लियरली समझ में आ रहा है हियर मतलब इधर और यहाँ पे हियर मतलब सुनना. तो सेंटेंस हम ऐसे बनाते कि उसका मीनिंग क्लियर हो गया, हालांकि वर्ड्स का स्पेलिंग भी अलग है यहाँ पे. देन धेर एंड धेर, तो धेर मतलब उधर और धेर मतलब उनका. तो आई हैड बीन देयर लास्ट ईयर ड्यूरिंग द हॉलीडेज, मतलब मैं उधर थी लास्ट ईयर हॉलीडेज में. और ये धेयर क्या है, उनके जैसे धेयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स देयर पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देम. तो ये हो गए दो सेंटेंसेस हमारे. फिर सेल और सेल, तो सेल मतलब जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, तो सेल इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी लिविंग बीइंग, अ पर्टिकुलर यूनिट इज कॉल्ड अ सेल. एंड सेल मतलब SELL, सेल मतलब बेचना. सो दिस सेल्समैन इज सो एक्सपीरियंस दैट ही कैन सेल कॉम टू अ बॉल्ड मैन, क्या एक टकले आदमी को भी वो कंघी बेच सकता है. सो दिस इज SELL सेल, है ना. सो दीज आर ऑल होमोफोन्स. हमने काफी सारे एग्जाम्पल देखे, ये चार एग्जाम्पल्स आपको होमोफोन्स के दिए, पर हमने अभी पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे क्योंकि एग्जाम अगर आएगा तो कुछ भी आ सकता है. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ मोर होमोफोन्स, जरूरी नहीं है टेक्स्ट से ही आए. फिर बी जो है वो है राइट व्हाट द अंडरलाइन होमोग्राफ्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस में. अब होमोफोन्स नहीं, हम होमोग्राफ्स की बात करें. तो ये जैसे बैर बैर हमने देखा, बैट बैट, फाइन फाइन, ये फेयर फेयर, ये चार होमोग्राफ्स के भी एग्जाम्पल दिए गए. तो इसका मीनिंग लिखना है. अब बेयर इज एन ओमनिवरस एनिमल, तो ये बेयर कौन सा है, बड़ा जो लार्ज मैमल है वो बेयर. तो इसका मीनिंग लिखा हमने. शी कुड नॉट बेयर द इनजस्टिस, यहाँ बेयर मतलब झेलना, टॉलरेट करना. फिर अ बैट इज द ओनली बर्ड विच इज अ मैमल, तो दिस इज अ मैमल विच कैन फ्लाई, है ना, बैट. और सेकेंड है हिज बैट ब्रोक एज ही स्ट्रक द बॉल, तो ये बैट कौन सा होगा जो बॉल हिट करने के लिए यूज किया जाता है, वुडन इक्विपमेंट यूज फॉर हिटिंग द बॉल इन गेम्स. फिर नेक्स्ट सेट है he had to pay a fine for breaking the traffic signal. तो ये fine क्या है, penalty. और ये क्या, use a fine cloth for the baby's clothes, मतलब soft कपड़ा use करो, fine soft. फिर fourth है we enjoyed a lot at the temple fair, ये fair कौन सा है, मेला, carnival, है ना, fair को carnival भी कहते हैं, तो ये मेले की बात हो रही है. और ये क्या है, she has a fair complexion, complexion fair है मतलब light color है ना, dark color नहीं है, तो not dark, light. तो ये दोनों फेयर है लेकिन मीनिंग अलग हो जाता है, स्पेलिंग भी सेम है, मीनिंग का पता चलेगी जब हम सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे. सो दीज आर ऑल होमोग्राफ्स. अब आते हैं हमारे एक्चुअल चैप्टर पे. तो चैप्टर शुरू करते हैं, ये देखिए, एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह एन आइकन, आइकन मतलब सिंबल, वेल नोन पर्सन, है ना, एन आइकन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज अ वॉर हीरो हु सक्सेसफुली लेड द यंग इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर. इसका क्या मतलब हुआ कि अर्जन सिंह जो थे एयरफोर्स मार्शल थे एंड ही वॉज एन आइकन, आइकन मीन्स अ सिंबल, अ वेल नोन पर्सन, है ना, तो ही वॉज एन आइकन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री. तो वो एकदम वेल नोन पर्सन है, इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री है, उसके अंदर ये एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह की स्पेशल प्लेस है, उनको हमेशा याद रखा जाएगा. किस लिए याद रखा जाएगा, ही वॉज अ वॉर हीरो, मतलब वॉर जब हमारी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 1965 में, तब वो एक हीरोइक रोल उन्होंने प्ले किया था. इंडियन एयरफोर्स बहुत ही यंग थी और उसको उन्होंने इसमें सक्सेसफुली लीड किया था, वो इंडियन एयरफोर्स के लीडर थे 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम पे. तो ये एयरफोर्स मार्शल है. और ये देखिए सेकेंड पैराग्राफ है, द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल, द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू आर्मी इज 5-स्टार फील्ड मार्शल. Singh was a fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircrafts. Exceptional का मतलब होता unusual, extraordinary, मतलब एक अलग ही है, सबसे अलग है. तो he is Indian Air Force में, he is the only person, पूरी Indian Air Force की since independence की जो हमारी history है, उसके अंदर ये only Air Force है जिनको सबसे highest post दिया गया of a marshal. तो army में भी field marshal is the highest post. तो army में भी ये post सिर्फ दो ही लोगों तो को आज तक मिला है. मतलब 1947 से अब तक 2021 तक इन दो ही लोग हैं जिनको ये फील्ड मार्शल का पोस्ट आर्मी में मिला, और एयर फोर्स में सिर्फ यही है मार्शल का जिन्हें हाईएस्ट पोस्ट मिला, एयर फोर्स मार्शल है ये, है ना. फील्ड मार्शल मतलब आर्मी में, एयर फोर्स मार्शल मतलब एयर फोर्स में. तो ही इज फियरलेस, ये फियरलेस थे, मतलब जरा भी इनको कोई फियर नहीं था, डरते नहीं थे, और एक्सेप्शनल पायलट थे. तो ही इज इन द एयर फोर्स, ऑफ कोर्स ही विल बी अ पायलट. And he had flown more than 60 different types of aircrafts. मतलब अलग-अलग टाइप की एयरक्राफ्ट इन्होंने
उड़ाई थी, है इक्विवेलेंट, मतलब एयरफोर्स में, मतलब जैसे हम कहते हैं ना इक्विवेलेंट, जैसे हम अगर करेंसी में भी बात करते हैं तो इंडिया की करेंसी और अगर हम डॉलर को कंपेयर करना चाहते तो इक्विवेलेंट मतलब 1 डॉलर मतलब समझो 70 रुपया, तो इक्विवेलेंट है, 1 डॉलर इज इक्विवेलेंट टू 70 रुपीज। तो वैसे ही एयरफोर्स मार्शल इन एयरफोर्स इज इक्विवेलेंट टू फील्ड मार्शल इन आर्मी, तो वो इक्विवेलेंट, इक्वल है, ऐसे वर्ड का मतलब होता है। फिर हम आगे देखेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये है अर्जन सिंह। अर्जन सिंह बिफोर इंडिपेंडेंस भी एयरफोर्स में थे, तो जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी उसमें, वो ब्रिटिश के अंडर जो एयरफोर्स थी उसमें भी उन्होंने काम किया, तो हम चैप्टर में आगे भी देखेंगे। तो ये उनका प्रोग्रेस रहा है, दिस इज अर्जन सिंह एंड दिस इज 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे जो उन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था, एयरफोर्स का प्रोमिनेंट रोल रहा था, तो वो है। तो यहाँ कहा जा रहा है, ही प्लेड अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन एयरफोर्स इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट, पोटेंट मतलब पावरफुल, इफेक्टिव, जिसका बहुत पोटेंशियल हो, बहुत पावरफुल हो और इफेक्टिव हो, जिसका असरदार हो, है ना, इफेक्टिव मतलब। तो ही ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन एयरफोर्स इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयरफोर्सेस ग्लोबली एंड द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारी एयरफोर्स जो है दैट इज द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, उनका उसमें इनका प्रोमिनेंट रोल रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ये देखिए कोर्ट्स में, यहाँ से लेके यहाँ तक कोर्ट्स है, ये कौन कह रहे हैं, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कपिल कक। तो उन्होंने इनके बारे में क्या कहा, अर्जन सिंह के बारे में, ये देखिए ये वाइस चीफ है, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ थे। तो उन्होंने कहा है कि हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल मतलब मॉन्यूमेंट होता है ना, जैसे हम कोई प्रोमिनेंट इमारत होती है, जैसे ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट, तो मॉन्यूमेंटल मतलब बहुत ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बड़ा कुछ है। तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन एयरफोर्स को है वो मॉन्यूमेंटल है, मॉन्यूमेंटल मीन्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इनॉर्मस, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका, है ना। तो ये कह रहे हैं कपिल का, कह रहे हैं हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज मॉन्यूमेंटल टू द लीस्ट, है ना, कम से कम ये मॉन्यूमेंटल तो है ही, इससे भी ज्यादा है वो कहना चाह रहे हैं। द इंडियन एयरफोर्स ग्रू विथ हिम, तो इंडियन एयरफोर्स जैसे उनकी ग्रोथ हुई वैसे इंडियन एयरफोर्स भी उनके साथ ग्रो हुआ है और इतना प्रोमिनेंट बना है। He was the epitome of military leadership. Epitome means perfect example. He was the perfect example of military leadership in the classical sense. तो perfect example रहे वो military leadership की, तो classical sense मतलब जब हम leader के बारे में सोचते तो क्या हमारे दिमाग में आता है कि कैसा leader होना चाहिए, traditional standard leader का, तो उस type के वो proper leader थे। He was epitome of military leadership in classical sense. And it is therefore not surprising, मतलब ये चौंका देने वाली बात नहीं है कि इनको ऑनर किया गया विद द रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल। तो ये जो टॉप मोस्ट रैंक है उनको दिया गया और किसी को नहीं दिया गया, तो ये उस कपिल कक जी उनको जस्टिफाई कर रहे हैं उसको, दिस इज फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ही वाज ऑनर्ड, अर्जन सिंह वाज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल, है ना। तो ये देखिए, सिंह वाज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। तो 2002 में इनको ये हाईएस्ट रैंक दिया गया मार्शल का। और इनके अलावा जैसे हमने बात की, आर्मी में दो ही और लोग हैं जिनको ये रैंक दिया गया, इक्विवेलेंट रैंक दिया गया, वो है सैम होर्मुज़जी फ्रामजी जमशेदजी मनेक्शा, या इनको शॉर्ट में सैम मनेक्शा से ही काफी फेमस है, सैम मनेक्शा एंड के एम करियप्पा। तो ये दो लीडर्स थे, ये दो आर्मी जनरल्स थे, दीज वर द ओनली टू आर्मी जनरल्स ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। इनके अलावा और किसी को नहीं दिया है आर्मी में, सैम मनेक्शा और के एम करियप्पा, और एयरफोर्स में दिस वॉज मार्शल अर्जन सिंह। तो ये कपिल कक जी जिन्होंने, जिनको हमने देखा, ही वॉज एयर वाइस मार्शल, ही वॉज वाइस चीफ, वाइस मार्शल तक पहुंचे थे, अर्जन सिंह वॉज दी मार्शल। और ये जो है आर्मी में जो फील्ड मार्शल्स रहे हैं उनके बारे में देखिए, दिस इज सैम मनेक्शा एंड दिस इज के एम करियप्पा। तो ये दो आर्म फोर्सेस के, आर्मी के जो हमारे जनरल्स रहे उनको आर्मी के फील्ड मार्शल का टॉप मोस्ट रैंक दिया गया। दीज आर द ओनली टू सो फार इन हिस्ट्री, एयरफोर्स में ओनली वन इज अर्जन सिंह। नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब जो पर्सन बहुत कम बात करता है, स्पीक्स वेरी लेस, तो उसे हम कह रहे हैं मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स ये एक फ्रेज है ना, कहने का तरीका, इसका मीनिंग लिटरल मीनिंग नहीं होता, इट मीन्स स्पीक्स वेरी लेस। सो ये मतलब अर्जन सिंह कम बात करते थे, ज्यादा बातें नहीं करते थे। But he was known as a man of few words. Singh was not only a fearless pilot, but also had profound knowledge. Profound मतलब बहुत detailed, deep knowledge. किसके बारे में? About air power
एंड अप्लाइड इट इन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज. वाइड स्पेक्ट्रम मतलब काफी वाइड रेंज है ना, जैसे हम कलर्स का देखते हैं रेंज होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स हो सकते हैं. तो स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज में भी हम कह सकते हैं, सब्जेक्ट्स के भी स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट्स है. तो यहाँ पे वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज में उन्होंने अपना ये नॉलेज अप्लाई किया, मतलब एयरफोर्स में अलग अलग में जहाँ पे भी इसकी जरूरत पड़ी उन्होंने ये अपना नॉलेज अप्लाई करके एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को डेवलप किया. तो ही वाज अ फियरलेस फियरलेस पायलट और इनको इतना नॉलेज भी था जो इसको उन्होंने अप्लाई भी किया. सिंह हैड एसिडियसली मतलब वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स, मतलब बहुत मेहनत करते थे और डिटेल्स पे बहुत ध्यान देते थे कि कहीं भी कुछ भी जरा सा भी कहीं इधर उधर ना हो, क्योंकि जब आर्म फोर्सेस की बात आती है तो थोड़ी सी भी इधर उधर गलती कुछ कैन बी टू बी डिजास्टर्स. तो ही वर्कड एसिडियसली. हम भी जब पढ़ाई करते तो सिर्फ मेहनत नहीं करनी, ध्यान से हमें डिटेल्स पे भी ध्यान देना है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, उससे सवाल आ गया तो हमारे मार्क्स गए. तो ही वॉज ऑल्सो वर्किंग एसिडियसली. सिंह हैड assiduously led the Indian Air Force during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force, though it was better equipped with American support. So, 1965 India-Pakistan war mein America ne Pakistan ko support kiya tha. So, Pakistan ki Air Force better equipped thi, unke paas American support tha, American arms the, par phir bhi India jeeti hai war. Kyun? Kyunki Singh jo hai, Field Marshal Arjun Singh, unka ye itna significant contribution raha ke, unhone itne dhyan se हर एक कहीं कुछ छूट ना जाए सही तरीके से पूरा उन्होंने प्लान करके इम्प्लीमेंट किया इंडियन एयरफोर्स का रोल. सो हियर यू कैन सी अगेन कपिल का कह रहे हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन वाज ड्यूरिंग दैट वॉर. तो सबसे आउटस्टैंडिंग सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी जो उनका कंट्रीब्यूशन था अर्जन सिंह का वो उस 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर में था. तो उस टाइम पे उनके रोल को सराहते हुए कमेंडिंग मतलब उसकी उसको एक्नॉलेज करते हुए means officially praising, मतलब ऐसे आपने जब कुछ अच्छा काम किया है तो लोग तो इन जनरल आपकी तारीफ करेंगे ही, पर officially जो आपका official post के लिए वहाँ पे आपकी तारीफ जब की जाती है, जैसे इस time पे कि यहाँ पे कौन officially praise कर रहे हैं इनको, YB चव्हाण then defense minister, मतलब 1965 war के time पे, then मतलब उस time पे, अभी defense minister नहीं, then defense minister उस time के defense minister थे. तो commending his role in the war, YB चव्हाण the then defense minister had written, उन्होंने लिखा था एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन. ज्वेल ऑफ अ पर्सन मतलब बहुत ही कीमती इंसान है हमारे लिए वो, है ना, जैसे ज्वेलरी कैसे हमारे लिए कीमती होती है वैसे वो भी एक कीमती प्रेशियस पर्सन है. क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म. एफिशिएंट है मतलब अपने काम में बहुत अच्छे है, और फर्म है स्टिफ है मतलब कि वो जल्दी इजिली मान नहीं जाएंगे, झुक नहीं जाएंगे, स्टे फर्म ऑन हिज डिसीजंस ऑन हिज चॉइसेस. And unexcitable. Unexcitable मतलब जैसे हमने पहले भी देखा, he was a man of few words, मतलब वो ज्यादा बोलते नहीं थे, तो ज्यादा excitable भी नहीं थे, मतलब अपने emotions भी ज्यादा ऐसे दिखा नहीं देंगे वो. He was unexcitable, but a very able leader. मतलब वो leader बहुत ही efficient, able leader थे वो, है ना? तो ये उनकी तारीफ में YB चव्हाण जी ने भी कहा था. तो वही हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए, this is defense minister YB चव्हाण, ये महाराष्ट्र के थे, and this is field marshal Arjun Singh. Also, when Maharashtra was formed as a separate state, 1960 में तो defense minister बनने से पहले he was the first chief minister of Maharashtra. तो Maharashtra के chief minister भी रह चुके हैं, and at that time 1965 में ये defense minister थे. फिर आगे हम देखते हैं, ये देखिए, in 1944, तो अब ये independence से पहले की बात हो रही है. अभी तक तो हमने सिर्फ उनका एक prominent role देखा 1965 India-Pakistan war में. अब ये 1944 की बात हो रही है. Before independence में उन्होंने क्या prominent role play किया था उसके बारे में ये. In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support missions during the crucial Imphal campaign, and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon, formerly Rangoon. मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 1944 में he led a squadron. Squadron का मतलब होता है a group, an organized group of officers or of air force commanders, जो भी एक group of people. तो जनरली ये तो जनरल भी यूज किया जाता है, पर ये जनरली मिलिट्री टर्म है. तो स्क्वाड्रॉन ऑफ मतलब एक ग्रुप को उन्होंने लीड किया कभी 1944 में जब जापानीज पावरफुल हो रहे थे. तो जापान पे जो बॉम्ब्स फेंके गए, एटम बॉम्ब्स फेंके गए 1945, दैट एंडेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो जापानीज वॉज वेरी प्रोमिनेंट एट दैट टाइम. जापान अटैक कर रही थी एंड यूएसए फाइनली एंडेड इट बाय अ ह्यूज डिजास्टर बाय यूजिंग एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट जापान. तो 1944 में जापान जब अटैक कर रही थी, इंडिया की तरफ भी एंटर हो रही थी, तब उन्होंने ये अराकन कैंपेन
के टाइम पे उन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, एक स्क्वाड्रॉन को लीड किया. ही वॉज फ्लाइंग, ही वॉज एन एयरफोर्स ऑफिसर, तो ही वॉज नॉट ऑन ग्राउंड, ही वॉज फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन. तो जापान ये नॉर्थ ईस्ट साइड से ये एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, तो इम्फाल, इम्फाल इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, है ना. तो यहाँ पे इम्फाल में भी वो कैंपेन जो हो रहा था उसमें क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट कैंपेन में भी उन्होंने क्लोज एयर सपोर्ट मिशन फ्लाई किए. एंड लेटर इवन द अलाइड फोर्सेज जो थे, अलाइड फोर्सेज आर द फोर्सेज ऑफ यूएसए ब्रिटेन, द अलाइड पावर्स एंड द एक्सिस पावर्स, तो दो ग्रुप्स थे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे भी. तो अलाइड फोर्सेज मतलब ब्रिटेन एंड यूएसए एंड अदर्स, तो इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड थी क्योंकि ब्रिटेन के अंडर थी इंडिया. तो अलाइड फोर्सेज के जो एडवांसेस वो कर रहे थे, जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे म्यांमार में वो एंटर कर रहे थे, तभी उन्होंने वो टाइम पे भी ये कैंपेन को सपोर्ट किया था मार्शल अर्जन सिंह ने. तो यांगोन जो है ये म्यांमार में, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और यांगोन का पुराना नाम रंगून है. ये देखिए हम लोग मैप में भी देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए. So this is Myanmar. This is bordering India's northeastern region. So यहाँ India, ये देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर इम्फाल कैंपेन भी हमने देखा वो यहाँ था, और ये म्यांमार आया. तो ये म्यांमार का प्रेजेंट कैपिटल नायपिदाव है और ये है रंगून, है ना, यांगोन. तो इसके बारे में यहाँ बात हो रही है. फिर आगे देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे आगे देखने से पहले हम एक और चीज देखेंगे. यहाँ साइड्स पे जो है ना हमारे चैप्टर के, यहाँ पे मीनिंग्स तो लिखे हैं, मीनिंग्स सारे हमने देख लिए, पर मीनिंग्स के अलावा थोड़े क्वेश्चंस भी है यहाँ पे, है ना. ये देखिए जैसे यहाँ पे हमारा चैप्टर शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो लिखा है, देखिए हम इसको भी देख लेंगे. व्हाई इज एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह कंसिडर्ड एन आउटस्टैंडिंग मिलिट्री पर्सनैलिटी. तो ये आउटस्टैंडिंग मिलिट्री पर्सनैलिटी क्यों है, ये आइकन क्यों है, ये इतना रिमेम्बर्ड क्यों है, because of his role in the 1965 India Pakistan war and he is also the only officer to attain the highest post of marshal. to isiliye unka outstanding military personality kaha ja raha hai unko. fir second jo hai yahan pe question ye raha, what personality traits of Arjan Singh are mentioned here. to personality traits yahan pe kya unke bare mein kaha gaya hai, man of few words, fearless pilot, profound knowledge about air power and applied his knowledge in wide spectrum of areas. तो ये सारी चीजों के बारे में पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखी गई है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. इवन इन्होंने भी जो बोला था, ही वाज ज्वेल ऑफ अ पर्सन, एफिशिएंट, फर्म, अनएक्साइटेबल, वेरिएबल लीडर. तो अगर आपका ये पैसेज इतना पैसेज आ रहा है तो ये सब भी लिख सकते हैं. फिर जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे. तो अब हमने देखा कि वो मिलिट्री कैंपेन में भी उन्होंने सपोर्ट किया, है ना. अब यहाँ पे क्या है ये देखिए, इन रिकॉग्निशन, तो यहाँ पे हमने इम्फाल कैंपेन की बात की, इवन अराकन कैंपेन की बात की. अब ये अराकन भी क्या है, अराकन इज ऑल्सो इन म्यांमार. हमने बात किया जापानीज आ रहे थे, अराकन कैंपेन, इम्फाल कैंपेन, इम्फाल कैंपेन इज मणिपुर, अराकन कैंपेन इज अगेन म्यांमार. तो ये हमने म्यांमार तो देखा, यहाँ पे ये रंगून यांगोन है, इसके अलावा यहाँ पे देखिये ये जो एरिया है ना ये अराकन है. हम दूसरा एक मैप देखेंगे, ये देखिये तो ये अराकन पुराना नाम है. जैसे हमने देखा बर्मा को अब म्यांमार कहते हैं, रंगून को अभी यांगोन कहते हैं, वैसे अराकन को अभी रखाइन कहते हैं. तो दिस इज द रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार यहाँ पे. तो ये अराकन कैंपेन थी यहाँ पे 1944 में, तो उस बारे में बर्मा में, तो उस टाइम पे भी उन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है. तो अब हमारे चैप्टर में आगे देखेंगे, ये देखिए, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फीट, मतलब उन्होंने जो फीट मतलब क्या, अचीवमेंट. तो इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज अचीवमेंट ही वॉज अवॉर्डेड The Distinguished Flying Cross (DFC) on the spot by Supreme Allied Commander of Southeast Asia. मतलब ये Allied Forces के लिए वो लड़ रहे थे, मतलब World War II में जो हमने बात किया Allied Forces और Allied Powers और Axis Powers थे, तो Allied Powers का जो Commander थे, Supreme Allied Commander Southeast Asia region के थे जो, उन्होंने वहीं पे on the spot, मतलब वो अराकन कैंपेन में यहाँ पे उन्होंने जो रोल प्ले किया उसके लिए वहीं पे उन्होंने Distinguished Flying Cross Award उनको दिया उनके अचीवमेंट के लिए. इतना प्रोमिनेंट रोल अर्जन सिंह ने प्ले किया था, दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना. द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट टू रिसीव डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस. ये देखिए, ये रहा, ही वाज अवार्डेड, दिस इज अर्जन सिंह वाज अवार्डेड डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस इन 1944. दिस वाज लॉर्ड लुई माउंटबेटन, ही वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन. लॉर्ड लुई माउंटबेटन हमारे लास्ट गवर्नर जनरल भी रह चुके और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे वो कमांडर भी रहे थे. तो उन्होंने ये डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस
अर्जुन सिंह को दिया था, वो स्क्वाड्रॉन लीडर थे। ये सब भी हमारा आगे आएगा। तो इम्फाल बर्मा में जब उन्होंने जो बैटल्स फाइट की, इसलिए इनको ये फेलिसिटेट किया गया, अवार्ड दिया गया। अब देखते हैं आगे, है सिंह वाज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स, दैट इज रॉयल एयरफोर्स मतलब ब्रिटिशर्स का जो एयरफोर्स है क्रैनवेल ब्रिटेन में, वहां पे 1938 में उनको ये पायलट ट्रेनिंग कोर्स, एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए उनको सिलेक्ट किया गया था। 1938 में वो सिर्फ 19 ईयर्स के थे। तब ये उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करना अब शुरू हो गई है। ये तो यहाँ 1944 तक बात की, अब हम हिस्ट्री में जा रहे हैं। He retired from service in 1969. आगे देखो, आया सिंह वॉज बॉर्न ऑन 15 अप्रैल 1919। तो अगर क्रोनोलॉजी हम समझे उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, तो पहले तो उनका बर्थ जो है हुआ 15 अप्रैल 1919 में, ऑफकोर्स बिफोर इंडिपेंडेंस, इन लियालपुर, नाउ फैसलाबाद इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में लियालपुर में उनका जन्म हुआ था, तो वो दैट वॉज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, है ना। दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर पार्टीशन। So he was born there. He completed his education at Montgomery. Montgomery भी जहाँ उन्होंने education लिया अपना, वो भी सहीवाल, present day Pakistan में। His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti by planes, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने क्या पता किया, पहले उनके birth के बारे में, उन्होंने education कहाँ लिया उसके बारे में, फिर वो 19 years के थे तब उनको ये empire pilot training course के लिए select किया गया, that was in 1938. So 1919 से 1938 हो गया ना 19 years. एंड देन आफ्टर दैट 1944 की हमने सारी बात की, कैसे उन्होंने इम्फाल कैंपेन, अराकन कैंपेन में रोल प्ले किया और उनको डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस अवार्ड किया गया 1944 में। फिर 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में बात की हमने, तब उन्होंने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया और ये 1969 में वो रिटायर हुए। सो अर्जुन सिंह ही वॉज बॉर्न इन ऑन 15 अप्रैल 1919 लियालपुर पाकिस्तान में। हमने देखा 1944 में उनको डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस अवार्ड दिया गया। देन ही बिकेम द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मतलब एयरफोर्स के टॉप मोस्ट ऑफिसर वो बन गए, चीफ ऑफ एयर स्टाफ फ्रॉम 1 अगस्त 1964 टू 1969। तो 1964 टू 69 के बीच में, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई तब वो लीडर थे, ही वाज द लीडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, तो वो हुआ। एंड ही वाज द ओनली चीफ ऑफ एयर स्टाफ टू हेड इंडियन एयरफोर्स फॉर 5 ईयर्स। नहीं तो रेगुलर टेन्योर 2.5 टू 3 ईयर्स तक ही वो लीडर रहते, लेकिन इनको 5 ईयर का टेन्योर मिला। एंड ही वाज द फर्स्ट टू बी अपग्रेडेड टू एयर चीफ मार्शल। चीफ ऑफ एयर स्टाफ से वो एयर चीफ मार्शल बने, ओनली एयरफोर्स में ओनली एयर चीफ मार्शल जो अब तक रहे वो है अर्जन सिंह। पद्म विभूषण भी उनको तभी मिला 1965, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद ही उनको 1965 में पद्म विभूषण अवार्ड किया गया। एंड दे रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969, वो भी हमने देखा एट द एज ऑफ 50। ये पोस्ट रिटायरमेंट उनके पोस्ट, ये भी हमारे चैप्टर में एंड में आने वाला है। ही सर्वड एज इंडियन एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड, तो एम्बेसडर बनाया गया उनको आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम फोर्सेस। तो स्विट्जरलैंड में वेटिकन में वो इंडियन एम्बेसडर रहे और हाई कमिश्नर टू कीनिया, टू मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, है ना। कंट्री के साथ फॉरेन रिलेशंस बनाने के लिए हम भेजते हैं, हमारे हर एक कंट्री में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं। तो दीज आर ऑल्सो IFS ऑफिसर्स, तो जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उनसे ही इनको सिलेक्ट किया जाता है, IFS ऑफिसर्स होते हैं। और इसके अलावा जो ये पोस्ट एम्बेसडर के पोस्ट जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है उनको भी दिए जाती है, तो ये एम्बेसडर बनते हैं। तो ही वॉज एम्बेसडर, हाई कमिश्नर टू कीनिया टू, एंड देन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो जैसे गवर्नर होते हैं स्टेट्स में, तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है पोस्ट को, तो वो भी इन्हें बनाया गया था, ठीक है। एंड ही वाज प्रमोटेड टू दिस रैंक, 5-स्टार रैंक, जो फील्ड मार्शल का रैंक उनको दिया गया ना, विच इज द ओनली वन, ही वॉज द ओनली एयर चीफ मार्शल, ये इनको 2002 में दिया गया, ओनली एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव दिस ऑनर, है ना। 1965 में पद्म विभूषण मिला, 2002 में ये अवार्ड, ये टाइटल मिला उनको एयर चीफ मार्शल का, है ना। तो नॉट वाइल ही वॉज इन सर्विस, है ना। IAF based at West Bengal's Panagar was renamed Air Force Station Arjun Singh in his honor in 2016. तो ये न्यूज का आइटम है, तो ये तो लेटेस्ट न्यूज है कुछ, है ना। तो ये 2002 की डेट भी हमारे बुक में आती है, 2002 में उनको फील्ड मार्शल का ऑनर मिला। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, when he wrote ना, he was given this title field marshal, ये देखिए he was honored with the rank of marshal on the Republic Day in 2002. तो ये 2002 की बात। अब हम कहाँ है, अब इनका पूरा जो करियर है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे इनके बारे में हमने इन जनरल तो देख लिया, अब ये देखिए 1938 में वो ट्रेनिंग तो ले लिया उन्होंने। हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन वाज टू फ्लाई वेस्टलैंड वापिटी बाय प्लेन्स। अब ये बाय प्लेन्स क्या होते हैं, दीज आर ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। बाय प्लेन्स मतलब इनके दो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, जनरली हम एयरप्लेन्स देखते हैं तो वन पेयर ऑफ विंग्स होती है, तो इसमें दो पेयर होती है, वन अबव द अदर, है ना।
इनको ये बायप्लेन्स, वेस्टलैंड वापिटी बायप्लेन्स इनको फ्लाई करना था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रीजन में, NWFP रीजन, ये भी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आता है. सो ही वाज मेंबर ऑफ रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रॉन नंबर 1. तो यहाँ पे उन्होंने काम किया. उसके बाद स्क्वाड्रन नंबर 2 में भी उनको बनाया गया, फॉर्म न्यूली फॉर्म नंबर 2 RIF स्क्वाड्रन में भी उनका ब्रीफ स्टिंट था. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेज है. ये फ्रेज का मतलब क्या होता है? ब्रीफ मतलब छोटा सा, स्टिंट मतलब एक्शन, एक्ट, वर्क, काम. तो शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्क को ब्रीफ स्टिंट कहते हैं. थोड़े टाइम के लिए वो नंबर 2 स्क्वाड्रन में भी थे, वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्सेस. तो ट्राइबल्स जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, वहां पे भी उन्होंने, उनके अगेंस्ट भी उन्होंने एयर एयर फोर्स में सर्व किया था. बट ही वाज लेटर मूव टू नंबर 1 स्क्वाड्रन एज फ्लाइंग ऑफिसर. तो ये पोस्ट जो है फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट उनको मिली फिर. एंड ही फ्लू द हॉकर हुरिकेन. हॉकर हुरिकेन भी एयरक्राफ्ट है, उसको उन्होंने फ्लाई किया. देन आफ्टर फ्लाइंग ऑफिसर ही गॉट द रोल ऑफ स्क्वाड्रॉन लीडर. तो ये जब उनको डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस दिया गया, वो स्क्वाड्रॉन लीडर थे 1944 में. एंड फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रॉन इन कॉम्बैट, मतलब इन द वॉर, इन द फाइट, ही वॉज अवॉर्डेड डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस इन 1944. तो ये प्री इंडिपेंडेंस का उनका जो है करियर ग्रोथ ये रहा है. ये देखिए, ये बाइक प्लेन है, टू पेयर्स ऑफ विंग्स वन अबव द अदर, है ना, जिसके बारे में हमने बात की. ये इंडिपेंडेंस तक हो गया. अब उसके बाद 1947 में, ऑन 15th अगस्त 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, ही अचीव द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग द फ्लाई पास्ट. फ्लाई पास्ट मतलब सेरेमोनियल फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर अ प्लेस. तो रेड फोर्ट दिल्ली में हम अपना रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. तो इंडिपेंडेंस डे के जो टाइम पे यहाँ पे रेड फोर्ट पे उन्होंने फ्लाई पास किया ऑफ ओवर 100 इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट. तो फ्लाई पास्ट ये हुआ, तो ही लेड दिस फ्लाई पास्ट. तो ये जनरली होता है, आप देखे होंगे रिपब्लिक डे परेड के टाइम पे भी, रेड फोर्ट पे हम देखते हैं ये फ्लाई पास्ट ऐसे किया जाता है एयरफोर्स के थ्रू. तो ये उन्होंने लीड किया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे. तो ये हुआ, तो ये स्क्वाड्रन लीडर तो थे. फिर उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ एज विंग कमांडर. तो स्क्वाड्रन लीडर के बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है विंग कमांडर. तो ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट यूके. तो ही बिकेम अ विंग कमांडर, ही अटेंडेड देयर. इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अंबाला, पाकिस्तान में, सॉरी पंजाब में अंबाला में, इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन. सो विंग कमांडर रहे, फिर उसके बाद ग्रुप कैप्टन बने. 1949 ही वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर. तो इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट उनको मिली एयर कमोडोर. एंड ही टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड विच लेटर केम टू बी नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड. तो ये हर एक कमांड पे एक एयर कमोडोर होते हैं, तो वेस्टर्न एयर कमांड में ये एयर कमोडोर थे. तो ये पोस्ट इनको मिली 1949 में. उसके बाद ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज AOC, Air Officer Commanding of an Operational Base. Initially from 1949 to 1952 and then again from 1957 to 1961. मतलब 49 to 52 हो गया, 49, 50, 51, 52, 4 साल. और 57 to 61 means 5 साल. तो 5 plus 4, 9 years का उनका ये tenure रहा यहाँ पे. Air Officer Commanding at Ambala. तो ये रहा. Then after his promotion to rank of Air Vice Marshal. So ये Air Commodore के बाद उनको post मिली Air Vice Marshal की भी. So he was appointed as Air Officer Commanding in Chief in Chief. So you know Air Officer Commanding in Chief also. So of an operational command. तो इनको और एक promotion मिला. Due towards the end of 1962 war. मतलब 1962 war अलग है. 1965 में India Pakistan war थी. 1962 में India China war थी. So 1962 war के बाद उनको Deputy Chief of Air Staff बनाया गया. Then Vice Chief of Air Staff in 1963 अगले साल. And then 1964 में जैसे हमने देखा, he became the Chief of Air Staff. So as Vice Chief of Air Staff also, he was overall commander of the Joint Air Force Training Exercise. So जो Air Force Training Exercise होती है, मतलब के इंडियन एयरफोर्स और बाकी एयरफोर्सेस के एक साथ शिक्षा करके ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ पार्टिसिपेट करती है. तो इसमें उनको ओवरऑल कमांडर बनाया गया. शिक्षा, ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम था, एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज. तो इसमें उन्होंने एज वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ काम किया. देन ही गॉट द रैंक ऑफ एयर मार्शल. So on 1st August 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of Indian Air Force, Arjun Singh, took over reins of Indian Air Force. So he took over the reins. Reins matlab control. Took over reins matlab took over control of Indian Air Force. He became the Chief of Air Staff. At the time when it was still rebuilding itself and was gearing up. Gearing up matlab getting ready to meet new challenges. Naye naye challenges, naye naye problems jo bhi Air Force face kare thi, usko solve karne ke liye, usko overcome karne ke liye apne aap ko rebuild aur develop kar rahi thi, getting ready
पूरा इंडियन एयरफोर्स अभी यंग एयरफोर्स था, एंड इट वाज गेयरिंग अप गेटिंग रेडी, एंड हु वाज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ देन, दैट वाज अर्जन सिंह. सो सिंह वाज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज सीएस रैंक. मतलब चीफ ऑफ एयर स्टाफ बन गए फिर भी उन्होंने अपनी फ्लाइंग करेंसी रखी. फ्लाइंग करेंसी मतलब क्या कि अपनी फ्लाइंग स्किल्स अप टू डेट रखी, एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वो अभी भी फ्लाई करते थे. तो ही वॉज द फर्स्ट एयर चीफ. तो एयर चीफ चीफ बन गए तो लीडर है, आप खुद नहीं करोगे बाकी करेंगे, पर ही स्टिल केप्ट हिज फ्लाइंग करेंसी. Having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary Gnats and Vampires. So, काफी अलग-अलग type के airplanes उन्होंने 60 अलग-अलग type के aircraft उन्होंने उड़ाई थी. He had also flown the transport aircraft, even transport aircraft Super Constellation भी वो उड़ा चुके थे. तो उन्होंने अलग-अलग aircraft उड़ाई थी. ये देखिए ये Hawker Hurricane है ना, ये World War II time की ये aircraft है. जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज में उन्होंने पार्ट नो लीड किया था, एंड वेम्पायर्स ग्नैट्स ये सारी भी वो उड़ा चुके हैं. सुपर कॉन्स्टेलेशन ये जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये भी वो फ्लाई कर चुके हैं. अब हम इवन ये साइड के क्वेश्चंस भी देख लेंगे. तो सेकंड पेज पे जो साइड पे क्वेश्चंस है ना, दिस इज ऑन पेज 16, तो पेज 15 तीन पेज का चैप्टर है. सेकंड पेज पे जो साइड के क्वेश्चंस है वो ये देखिए. What enabled Arjan Singh to the DFC award? So, उनको DFC award क्या क्यों दिया गया? Because of his the prominent role he played in the Arakan campaign and Imphal campaign. So, he was awarded on the spot. Then, at what age did Arjan Singh become a squadron leader? तो squadron leader कब बने वो? ये देखिए. In 1944 में वो squadron leader बने. कहाँ लिखा है हमारा? He became a squadron leader. ये देखिए. स्क्वाड्रन लीडर 1944. फिर मीनिंग्स तो हमने देखा बाय प्लेन ब्रीफ स्टिंट के, दीज आर इम्पोर्टेंट. फ्लाईपास्ट भी, फ्लाईपास्ट का मीनिंग हमने देखा. सेरेमोनियल फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर अ प्लेस, जैसे हमने देखा रेड फोर्ट के ऊपर फ्लाई पास्ट होता है. फिर हाउ लॉन्ग डिड अर्जन सिंह होल्ड द पोस्ट ऑफ एओसी, एओसी एयर ऑफिसर कमांडिंग. तो ये देखिए यहाँ हमने कैलकुलेट किया था, ये 9 ईयर्स थे, 49 टू 52 एंड 57 टू 61. तो हाउ लॉन्ग इट इज 9 ईयर्स. फिर ये देखो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑल्सो, एओसी इन चीफ भी बन गए वो. फिर ये ट्रेनिंग का हमने देखा. फिर यहाँ पे सवाल है देखिए, ये मीनिंग्स है और यहाँ पे आता है. अच्छा अब हम यहाँ पे ये एक सवाल हमारा बाद में होगा, एक और ये लास्ट दो सवाल बचेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये लास्ट पेज हम देख लेते कंप्लीट कर लेते. तो यहाँ हम पहुंचे यहाँ तक सुपर कॉन्स्टेलेशन तक है ना, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमने देखी, अब ये लास्ट के पैराग्राफ बचे. तो ये क्या है, In 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam, तो Operation Grand Slam करके जो 1965 war हुई, तो Pakistan ने ये operation start किया, Operation Grand Slam, with an armored thrust targeted at the vital town of Akhnoor. Singh led Indian Air Force through the war with courage, determination, and professional skills. He inspired Indian Air Force to victory despite the constraints. Constraints मतलब shortcomings, जो restrictions थे, जो हमारे पास कमियां थी, constraints थी. उसके बावजूद उन्होंने हमें जीत हासिल कराई, इंडियन एयरफोर्स को जिताया. सो ही यू नो डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कम्बैट पावर्स. तो एयरफोर्स के वॉर में एयरफोर्स का लिमिटेड रोल होता है, मेन तो आर्मी ग्राउंड पे फाइट करती है, पर ये कंस्ट्रेंट्स होते हुए भी उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को इसमें विक्ट्री की तरफ इंस्पायर किया. सो दिस वॉज हिज रोल इन द 1965 वॉर. Then Singh was awarded Padma Vibhushan for his astute. Astute मतलब sharp and intelligent. तो उनके जो astute leadership है, sharp and intelligent leadership of the Air Force during the war. तो 1965 में ही उन्हें Padma Vibhushan दिया गया. Subsequently, in recognition of the Air Force's contribution during the war, rank of Chief of Air Staff was upgraded and Arjan Singh became the first Air Chief Marshal. तो उनको Air Chief Marshal बनाया गया of the Indian Air Force. He became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force.
ही रिमेन्ड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन इंडियन एयरफोर्स विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस, मतलब ये हमने पहले भी देखा कि उन्होंने अपनी फ्लाइंग करेंसी रखी, मतलब वो फ्लाई करते रहते थे, अपना एक्सपीरियंस रखा, तो टिल द एंड ऑफ हिज टेन्योर वो फ्लाई करते थे एंड ही विजिटेड फॉरवर्ड बेसिस. फॉरवर्ड बेसिस मतलब सिक्योर्ड फॉरवर्ड ऑपरेटिंग मिलिट्री पोजिशन, तो मतलब जो है ना हमारे बॉर्डर्स पे या जहाँ पे वॉर हो रही, फाइट हो रही है, फॉरवर्ड लोकेशन जो होते हैं उनको फॉरवर्ड बेसिस कहते हैं ना. सिक्योर मतलब वहाँ पे पूरा वो लोग ना बंकर बना लेते हैं, पूरा सिक्योर कर लेते हैं और मिलिट्री पोजिशन लेके वहाँ रहते हैं. दोज आर कॉल्ड फॉरवर्ड बेसिस. सो ही विजिटेड फॉरवर्ड बेसिस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद द स्क्वाड्रॉन्स, तो वो फ्लाई करते रहे स्क्वाड्रॉन्स के साथ, फ्लाई भी करते रहे. ही रिटायर्ड इन ऑगस्ट 1969 देयर अपॉन एक्सेप्टिंग एम्बेसडरशिप टू स्विट्जरलैंड. तो रिटायर होने के बाद वो एम्बेसडर बने एंड ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1989 टू 1990 फॉर अ ईयर. So this was his role. यहाँ पे एक सवाल है, what uphill task did Singh face when he took over as air marshal? तो वो air marshal जब बने, तो क्या उनको uphill task, क्या उनको face करना पड़ा? He became the air marshal here we saw. तो air marshal मतलब air marshal, marshal of the air force is the post, highest post जो उनको मिला है. air marshal मतलब chief of air staff is air marshal. हमने रैंकिंग देखी है, तो एयर मार्शल एयर वाइस मार्शल होता है, मतलब वाइस चीफ ऑफ द एयरफोर्स, तो मार्शल तो वो बन गए ना. तो एट दैट टाइम व्हाट वाज 1965 में, 1964 में, तो यहाँ पे क्या, ही टुक ओवर द रीन्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स एट अ टाइम व्हेन इट वाज स्टिल रीबिल्डिंग इटसेल्फ एंड वाज गेयरिंग अप टू मीट न्यू चैलेंजेस. तो इट वाज अ यंग इंडियन एयरफोर्स, तो उनको उसे बिल्ड करना था. सो दैट वाज अ चैलेंज ही फेस्ड, अपहिल टास्क ही फेस्ड व्हेन ही टुक ओवर एज एयर मार्शल. तो ये एयर चीफ मार्शल वो लास्ट में बने 2002. एयर मार्शल मतलब चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज द पोस्ट एंड दिस इज द रैंकिंग एयर मार्शल. फिर ये लास्ट में और एक सवाल है, ये रहा, व्हाट अदर इंपॉर्टेंट पोजीशंस डिड अर्जन सिंह होल्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट. तो वो तो डायरेक्टली यहाँ लिखा है, हमने देखा यहाँ पे, ही बिकेम द, कहाँ गया, ही बिकेम द एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. और लास्ट हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, हैविंग बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थ्रू द इयर्स, द गवर्नमेंट कन्फर्ड द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अपॉन अर्जन सिंह इन जैन 2002, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड ओनली 5-star रैंक ऑफिसर विद इंडियन एयरफोर्स. सो हिज फर्स्ट एंड ओनली 5-star रैंक ऑफिसर. 5-star रैंक ऑफिसर्स दो है आर्मी में, एयरफोर्स के ये ओनली ऑफिसर रहे हैं सो फार. So that is where our chapter ends. So unko Padma Vibhushan bhi diya gaya. This was in 1965 itself by then President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He's there. So ye dekhiye, hai na? Pehle flying officer the, fir unke bare mein humne chapter mein jo dekha hai, flying officer dekha hai. Then he became a squadron leader, wing commander. Ye hamari book mein likhe hue terms hai. Then he became air commodore, air vice marshal, matlab Vice Chief of Air Staff, then he became the Chief of Air Staff, Air Marshal, then Air Chief Marshal, and then also the Marshal of the Indian Air Force. This is the topmost rank which came in 2002. So Marshal word यहाँ से आना शुरू हो जाता है last four posts में, पर ये Vice Marshal है, Marshal, Chief Marshal, and then Marshal of the Air Force, the topmost honor which is only been awarded so far to Arjun Singh. तो यहाँ हमारा chapter end होता है. ये है Arjun Singh जी with his wife. His wife, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज हिज वाइफ इज मासी टू मंदिरा बेदी, द फेमस एक्ट्रेस. तो ये उनकी मम्मी, मंदिरा बेदी की मम्मी की बहन है, रियल सिस्टर. सो ये है. सो दैट इज इट, आवर चैप्टर एंड्स हियर. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.